मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर लेगा। हमारे जो लोग इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग दे रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था। हैंडसम ने, चुनतखब वजीर आजम ने एक और अहम मना दी, एक और अहम ऐलान फरमा दिया है, और वो ऐलान है कि हुकूमत सब कुछ ठीक नहीं कर सकती। वो पैसा पल्ले है कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास नहीं है। आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी, सलामती, मतलब एक नाम लेकर। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका का कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसियों और हाई कमीशन के पास को फंड फंड नहीं होते इतने। यकीनन हिंदुस्तान के, दुनिया को पता है कि रशिया के साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, अब भी हैं और पहले भी थे। तो ये बताएं कि अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल क्या सिचुएशन है, जिसमें डोमेस्टिक सिचुएशन जिसमें मोदी जी के कहने पे रशिया ने 6 घंटे जो है वो जंग बंद कर दी, और ये इंडिया ही है जो जंग बंद करवा सकता है। तो क्या मोदी जी ये क्या क्या कर रहे हैं? तो पहली बात जो है, इंडियन एम्बेसी ने एडवाइजरी इशू की थी करीब 15 दिन पहले, आप यूक्रेन छोड़ दे। लोगों ने कहा यार अभी जंग वंग का मसला तो दिख नहीं रहा, ये पुतिन उतिन हमला करेगा नहीं। जो वेस्टर्न मीडिया एक गुब्बारा बना रहा था, पुतिन की औकात नहीं है, डरा रहा, धमका रहा, जबकि CIA को पूरी तरह से पता था पुतिन हमला करेगा। अगर आप पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे, वो 5 को क्लियर कर चुका है, अगर ये नेटो वाला मसला हल लेकर नहीं होगा मैं हमला करूंगा। और ये हम नहीं मान सकते कि CIA को ये पता नहीं था, या यूरोपियन इंटेलिजेंस को पता नहीं था, नेटो को पता नहीं था। पर वो सट्टा लगाते हैं, देखिए किसी की जान जा रही, किसी के यहाँ लड़ाई हो रही है, अमेरिका अपनी जमीन पर तो चीमा साहब लड़ता नहीं है, तो इनका पहला रूल है किसी की जमीन पर लड़ो तो कोलैटरल डैमेज तो उनका होना तो होते रहेगा। अब ए मरे, बी मरे, सी मरे, जो मरेगा उनका मरेगा, हमारा तो मरना नहीं, इनका एक स्ट्रैटेजी है। तो इवैक्यूएशन हुआ नहीं, पर जब अब ये लड़ाई हकीकत में बदल गई 3 दिन में, 26 फ्लाइटें हमने ला रहे हैं 3 दिन में, आज सुबह से 5 आ गई, मैं नेशनल मीडिया पर था, 5 आ गई, 26 फ्लाइटें आएगी 3 दिन में। C-30 जो हर्क्यूलस ग्लोब मास्टर है, सबसे बड़ा जहाज, उसको भी डिप्लॉय कर लिया, कमर्शियल एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडियन एयरफोर्स तीनों सॉर्टी कर रहे हैं। और हमारे 4 मिनिस्टर ऑलरेडी जो नेबरिंग कंट्रीज है, 4 कैबिनेट मिनिस्टर वहां है और इवैक्यूएशन को देख रहे हैं। तो हमारा ये कहना और हमारी अश्योरिटी, जब तक हम लास्ट बंदे को नहीं निकालेंगे, सबको निकालेंगे। और एक इसमें एक चीज बोल दूं आपको, हमारे जो लोग इंडियन एक फ्लैग लेके आगे चलते, इसके पीछे पाकिस्तानी भी आ रहे भाई साहब, इसके पीछे टर्किश के लोग दे रहे। और हमने बोला जो नेबरिंग कंट्रीज का कोई फंसा है, लास्ट टाइम भी हमने इवैक्यूएट किया था, कोई फंसा था उसको भी इवैक्यूएट करने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं, कर रहे हैं इवैक्यूएट कर रहे हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे। लास्ट टाइम भी जो 2-3 ऑपरेशन हुए, हमने पाकिस्तानियों को नेबरिंग बांग्लादेश और श्रीलंका का कहीं का फंसा, उसको भी हमने इवैक्यूएट किया। देखिए ये ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें पॉलिटिक्स घुसाने की भी जरूरत नहीं, ये ह्यूमैनिटेरियन इशू, इवैक्यूएशन इज अ ह्यूमैनिटेरियन इशू, एंड वी विल नॉट स्टॉप टिल द टाइम वी डोंट इवैक्यूएट इवन द लास्ट पर्सन, ये हमारा रिजॉल्व है। कल आपने कहा जंग बंद करने की बात, कल जो रशिया का शहर है, नाम मुझे याद नहीं रखा, रशिया नेम है, उस पे इंडिया ने कल पुतिन साहब से बात हुई थी, कल परसों मोदी जी, तो हाँ उन्होंने बोला भाई 6 घंटे का समय है, जो आपको इवैक्यूएशन करना कर लीजिए, हो सकता है रशिया का कोई मिलिट्री असॉल्ट की वो हो, क्योंकि एक बच्चा हमारा ऑलरेडी मारा गया और एक बेचारा तो इलनेस में मारा गया, 2 कैजुअलिटीज हुई है हमारी भी। तो उन्होंने कहा भाई 6 घंटे का टाइम आप इवैक्यूएट कर लीजिए। तो मोदी जी के कहने पे उन्होंने, इंडियन एम्बेसी ने कल एक एडवाइजरी निकाली, यू लीव दिस कर्की इमीडिएटली, कि अगर उन्होंने बोला भाई रेल मिलती है यहाँ जाओ, ट्रेन मिलती है यहाँ जाओ, पैदल अगर कुछ नहीं मिलता तो पैदल ही 12 किलोमीटर दूर है, 13 किलोमीटर दूर शहर है, आप यहाँ जाओ। तो 6 घंटे का एक विंडो दिया रशिया ने। और एक बार बाद में तो हमको चीन सब, रशिया ने ये भी बोला कि अगर आपके लोग जहाँ कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा वो रशियन बॉर्डर की तरफ आएंगे, तो रशियन इंडियंस को और इंडियन फ्लैग बेयरर्स को सेफ एक्सेस देंगे, आप उनको रशिया से निकाल लीजिए। अगर आप पोलैंड इधर आसपास के कंट्री से, स्लोवाकिया वगैरह से नहीं निकाल पा रहे, जो वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन है, अगर हम उनको रशिया का एक्सेस देंगे वो आ जाए। और कार्किव में 6 घंटे का हमें विंडो दिया स्पेशली फॉर इवैक्यूएशन, वी हैव बार्गेन्ड दिस टाइम फ्रॉम रशियंस यूजिंग आवर यू नो प्लेज एंड रिलेशंस विद देम, कि भाई हमें 6 घंटे का टाइम दीजिए ताकि हम लोगों को निकाल। रशिया के साथ अगर हम यूक्रेन का देखें तो वहां हमारे स्टूडेंट्स रो रहे हैं, पीट रहे हैं, इंडिया वाले तो अपने स्टूडेंट्स ले गए, उनकी बेशुमार वीडियोस मैंने खुद देखी हैं कि जहां पे वो बसों में भर के अपने स्टूडेंट्स को हिफाजत से पहुंचा रहे हैं इंडिया के लोग, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमारी एम्बेसी जवाब ही कोई नहीं दे रही। वो ठीक जवाब नहीं दे रही, उसकी वजह ये है कि पैसा ही नहीं है, मदद क्या करे, पैसा ही नहीं है, बजट ही नहीं है। इंडिया इसलिए लेके गया कि उनकी इकोनॉमी अफोर्ड करते हैं,
यही तो हमें, मुझे और आपको मिलकर सोचना है कि ये जो हमारी अशराफिया की ये जो जली, ये जो है ना ये अकड़ी हुई गर्दने, हम ये तो हम वो, तो पैसा पल्ले है कुछ नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को निकालने के लिए भी इनके पास नहीं है। लड़ाई आपने दुनिया के हर मुल्क से करनी है, खुद मुख्तारी सलामती मतलब एक नाम लेकर। एक्चुअल हालत ये है कि हमारी एम्बेसी और हाई कमीशन के पास को फंड फंड नहीं होते इतने, तो जब नहीं है पैसे दूसरों से मांगने हैं तो भाई हकीकत की दुनिया में आके देखना शुरू कर दो ना। आरजू हम, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बड़े दर्दमंदी से मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत दुख से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मुसीबत है, मेरी कौम है ना, मैं क्या करूँ। आदमी अपनी वल्दियत पर नहीं बदल सकता, कौम नहीं बदल सकता, यानी क्या करें। तो हमारी जो कौम है, मेरे आपके लोग हैं, ये हम ना मेजोरिटी में, और ये मैं बात नहीं कर रहा कोई एक पार्टी की, ये आप जनरल, आपको हम एक अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर लेते हैं बहसियत कौम, हम एक वर्चुअल रियलिटी जैसे होती है ना, हम एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड में रहते हैं। यानी उस अल्टरनेटिव रियलिटी में साल हर साल रहते हुए लोग हमारे अब वो नॉर्मल नहीं रह गए। वो अल्टरनेटिव रियलिटी क्या है? वो अल्टरनेटिव रियलिटी ये है कि दुनिया का हर यहूदी, हर ईसाई, हर हिंदू वो पाकिस्तान का और मुसलमान का दुश्मन है। दुनिया में हर मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। दुनिया का हर मुल्क पाकिस्तान का दुश्मन है, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का किला है। और फाइनली यहां से वो फौजें उठेंगी जिन्होंने दुनिया को तस्खीर कर लेना। ये है वो अल्टरनेटिव रियलिटी। यानी देखे ना, उस अल्टरनेटिव रियलिटी के ऊपर एक जो उनवान लिखा हुआ है वो ये है कि ये मुल्क 27 रमजान को बना था, लिहाजा टूट नहीं सकता। अब इतनी जाहिल लोगों को कोई क्या कहे यार, ये 24 साल बाद टूट गया था। जो बाकी बच गया है उसके बारे में कह रहे हैं 27 रमजान को बना था, इसे कुछ हो नहीं सकता यार, इनको शर्म नहीं आती। ये है अल्टरनेटिव रियलिटी का, और ये अल्टरनेटिव रियलिटी पढ़ाने वाले यूनिवर्सिटीज में पढ़ा रहे हैं सर।